हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप बचपन में एग्जाम देते होंगे, आपने बोर्ड एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम आप क्लास का देते होंगे, तो आप जनरली 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, तो आप प्रीवियस के ईयर के पेपर जो है लगा के जाते होंगे। मैं भी जब बोर्ड एग्जाम देता था, 10th का हो या 12th का हो, तो एक हमारा वो एग्जाम एक पेपर आता था जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर में जो पिछले साल जो क्वेश्चन जो पूछे जाते थे, हम उनको बना के जाते थे। तो उसके बाद भी जितने सारे, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करूं, तो जो हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे और भी जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनमें प्रीवियस ईयर पेपर का काफी महत्व होता है, काफी इंपॉर्टेंस होता है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, तो बैंकिंग सेक्टर में जो है, हम देखते जा रहे हैं कि दिन पर दिन जो है, हर ईयर जो है, कुछ ना कुछ पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं क्या, कंप्लीट पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही क्वेश्चंस में जो है पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। मैं परसेंटेज की बात करूं, तो 20-25% जो है क्वेश्चन में पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जो एक कंसेप्ट है, एक बेसिक है, वो बिल्कुल सेम है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं नया एस्पिरेंट्स हूं, या कोई भी एक नया एस्पिरेंट्स है जो कर तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें क्या पैटर्न रहता था, वो सबसे पहले जानने की कोशिश करेगा। या फिर मैं 2-3 साल से तैयारी कर भी रहा हूं, या 1 साल मुझे तैयारी करते हुए हो गए हैं, तो मैं ऑब्वियसली बात है, एक बार मैं जरूर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाऊंगा कि हाँ भाई, प्रीवियस ईयर क्या पेपर आया था, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, डेली जो चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपडेट रहना है। लेकिन 70-75% पहले जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो जिस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको फिर अगले साल पूछे जाने हैं, उस तरह के क्वेश्चंस से आपको अवेयर रहना बिल्कुल ही जरूरत है। तो इसी के रिगार्डिंग बच्चों, अड्डा 24/7 जो है, जो हमारा पब्लिकेशन का मोस्ट डिमांडिंग बुक जो हम कहते हैं, 50+ प्रीवियस ईयर बुक जो हमारा मोस्ट डिमांडिंग बुक था, वो फिर से हम दोबारा लेके आए हैं। यस बच्चों, 50+ बुक इज बैक। तो 50+ बुक जो है हमारा दोबारा से बैक हो गया है। ये इस बार हमने इस बुक में कुछ नया रिवैम्प हम करके लाए हैं। क्या है इस बुक में, इस नए तरीके से हम दोबारा 2.0 लेके आए। 2.0 वर्जन क्या है हमारे इस बुक का, तो जानते हैं इस वीडियो सेशन में। आइए तो बच्चों, की जैसे आप देख रहे हैं कि 50+ बुक जो है हमारा वर्जन 2.0 है। मैं आपके सामने बिल्कुल हार्ड कॉपी जो है बुक का, मैं आपके, आप देख रहे हैं कवर पेज कितना सुंदर जो है बना हुआ है। इसमें जो है 5500+ क्वेश्चंस हमने रखे हैं, साथ में डिटेल सॉल्यूशन रखा है इंग्लिश का, क्वांट का और रीजनिंग का। इसमें जो है ये आपको जो है SBI एग्जाम के लिए, IBPS एग्जाम के लिए, RRB एग्जाम के लिए, RBI एग्जाम और जितने अदर बैंक के एग्जाम है, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर इसमें कवर है और सभी एग्जाम के लिए ये यूजफुल है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि क्या 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 है इसमें, तो SBI PO और क्लर्क के 14 सेट्स हैं, IBPS PO और क्लर्क के 12 सेट्स हैं, RRB PO और क्लर्क के 14 सेट्स हैं, RBI ग्रेड बी और असिस्टेंट के 7 सेट्स हैं। साथ ही साथ जो मणिपाल के एग्जाम होते हैं, उनके पेपर भी जो है हमने इंक्लूड किए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, या सिंडिकेट बैंक है, या और भी जितने हमारे जो है मणिपाल एग्जाम होते हैं। साथ साथ हमने क्या किया इसमें जो है हमने 500 बैंकिंग एंड स्टेटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी हमने जो है इसमें एड ऑन किए हैं, ताकि आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें एक बार, इसका इंडेक्स पे हम एक बार गौर करें, इंडेक्स हमारा कैसा दिया हुआ है, तो इंडेक्स में आप देखेंगे कि मॉक 1 से लेके स्टार्ट है, उसमें जो है हर एग्जाम, SBI की मैं बात करूं या IPS की बात करूं, ईयर वाइज जो है ये कंप्लीट मॉक 1 से स्टार्ट है, और आप देखते जा रहे हैं, मतलब एक लंबा लिस्ट बना हुआ है इस यहाँ पे हमारे इंडेक्स में, और ये कंप्लीट होता है जाके मॉक 52 पे, जहां की आपको हर एग्जाम RRB के, RBI के, BOB के, सिंडिकेट के, इंडियन बैंक के, केनरा बैंक के, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हैं। साथ ही साथ जो है बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस के जो है क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने कवर किए हैं। तो बच्चों, आपको जो है एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाने काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बुक आप लोगों ने ही काफी पसंद किया था, तो उसी के बेसिस पे हमने इस बुक का 2.0 वर्जन हम लेके आए हैं। तो हम देखते हैं इसमें पेजेस कितने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसमें डिटेल सॉल्यूशन भी जो है हमने, चाहे वो इंग्लिश की बात करूं मैं, रीजनिंग की बात करूं, या फिर मैं क्वांट की बात करूं, तो हमने जो है साथ में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया है, और जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स को जो है हमने कवर किया है। ये हार्ड कॉपी अवेलेबल है हमारे स्टोर से, आपको जो है ये मिल सकता है। आपको बस जो है ये बुक है, मतलब एक रामबाण हम कह सकते हैं, जो आपको एग्जाम की तैयारी करने में आपको हेल्प करेगा। तो अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ पेज जो है बच्चों 9
25 पेज, मतलब किसी भी बुक का एक बहुत ही बड़ा मतलब एक पार्ट है। अभी तक इतना पेजेस 925 पेजेस इस बुक्स में है, जो कि काफी मेजर पार्ट है, काफी बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ पेजेस है। इतने सारे पेजेस मतलब इतने सारे नंबर ऑफ मॉक्स, इतने सारे नंबर ऑफ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इतने सारे एग्जाम आपको एक ही बुक में कवर हो रहे हैं। मतलब एक बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए मस्ट बुक एक जो होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स के पास जो होनी चाहिए ये वो बुक है। तो ये बुक बच्चों आपको एग्जाम में काफी जो है मदद करने वाला है। तो इस बुक को लेने के लिए आपको क्या करना है, इस बुक को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई आप ले लो आप रखो रखो, नहीं, इस ये बुक सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इसमें हमने कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर जितने सारे एग्जाम है, जितने सारे बैंकिंग के एग्जाम है, सब कवर किया है हमने। तो आपको उसका एनालिसिस करने के लिए एक बुक तो है कि हाँ भाई ये बुक मेरे पास मस्ट बुक है, जो मेरे पास होनी चाहिए। तो इस बुक को लेने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको store.atta247.com पे आपको विजिट करना है। वहां पे जो है आप पब्लिकेशन पे जाएंगे, वहां पे पब्लिकेशन वाले टैब पे जाएंगे, तो पब्लिकेशन वाले टैब पे फर्स्ट रो में फर्स्ट बुक आपको यही वाली दिखेगी 50 प्लस की। इन केस आपको इस बुक से रिलेटेड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड या फिर किसी और क्वेरी आपको कुछ पूछनी है, तो मेरी मेल आईडी है aniket.kumar@atta247.com, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं हमें। तो जो भी क्वेरी होगी हमारी, हम आपको आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बुक को लेंगे और जो है तैयारी अपनी अच्छे जोर शोर से करेंगे और काफी जोश के साथ करेंगे। और ये हम आशा करते हैं, ये होप करते हैं, हम हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये साल आपका काफी अच्छा हो, मंगलमय हो, और इस साल जो है आप अपना एग्जाम क्रैक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।